5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है, बहुत सुंदर ड्रेस है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। आज हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी की चोली है और ये मैंने अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए 3 राउंड बनाए। आप अपनी इच्छा अनुसार 4 और 5 भी बना सकती हैं। आज हम इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसी में, सॉरी, आगे वाली में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया हमारा, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ हमारे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए हमारे। इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाए, 3 हो गए हमारे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया, ये हमारे 5, इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, आगे वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। मैं अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। लिया पर मैंने 2 चैन बना के स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया है और मेरे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हैं। 1-2 ज़्यादा कम आप कर सकती हैं, इस तरह से घटा बढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे इस तरह से। एक बार और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। वन टू थ्री चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 और ये हमारे 4, इस तरह से हम अपना पफ बनाएंगे। अब यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे पफ बनाया था, इसमें होके हम इस तरह से निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हमारी डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसी में पफ बनाएंगे, एक हो गया हमारा, 2 हो गए हमारे, 3 और ये हमारे 4 हो गए। और ये इस तरह से हम बनाएंगे, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया। यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, ये 3 चैन हो गए हमारे। फिर से हम इस वाले होल में पफ बनाएंगे, 2 हो गए हमारे, 3 और ये हमारे 4। फिर से हम इस तरह से बनाएंगे, 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 और 5, 6 चैन। 6 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे जो ये पफ वाली है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसी होल में एक पफ और बनाएंगे, ये 2 हो गए हमारे, 3 ये हमारे 4,
इस तरह से यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, दो तीन, इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने तीन चैन बना ली हैं। अब यहाँ पे थ्री चैन जो बनाई थी लास्ट वाली चैन में, इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से एक चैन बनाएंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे येलो कलर लगाएंगे। इस तरह से एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पे, इस तरह से। अब हम ये थ्री, यहाँ पे सिक्स चैन बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, चार, पांच, और ये हमारी छह। यहाँ पे हमारे सात डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गई। थ्री चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। अब यहाँ से हम इस तरह से, यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम इसी चैन में सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हो गए हमारे, तीन, चार, पांच, और ये छह हो गए हमारे। ये हमारे सात डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से, बनके तैयार हुई। अब यहाँ पे थ्री चैन बनाई थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम इस वाली लूप में सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक हो गया हमारा, यहाँ पे हम मैंने सेवन डबल क्रोशिया बना लिए। थ्री चैन बनाएंगे, ए, वन, टू, थ्री चैन हो गई। अब इस वाली को लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे सेवन बार, इसी में हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे थ्री हो गए, फाइव, सिक्स, ये हमारे सेवन डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम आगे वाली चैन में, यहाँ पर थ्री की चैन बनाई थी, ये थ्री की चैन बनाई थी, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस तरह अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब हम इसमें यहीं पे एक बार और सिंगल स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, इस तरह से कट कर दिया। रेड कलर हम यहाँ से, ये जो दो हैं ये, इस तरह से हम अपनी क्रोशिया निकालेंगे। अब यहीं पे हम इसे रेड कलर को जोड़ देंगे इस तरह से। एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर थ्री चैन बनाएंगे, दो, ये तीन हो गई हमारी चैन। अब हम यहाँ पे इस वाली लूप में, इस वाली में पफ बनाएंगे इस तरह से। अपना रेड धागा भी इसी की में कर लेंगे इस तरह से। एक हो गया हमारा, दो, और ये हमारे तीन, चार, और ये पांच, और ये छह हो गए हमारे पफ। छह बार हमने क्रोशिया निकाला पफ बन के। अब हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारा पफ बन के तैयार हो गया। फिर से हम थ्री चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन,
अब इस वाली में ये दो हैं हमारे, ये वाले दो, इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम थ्री चैन बनाएंगे, टू, ये थ्री चैन हो गई। अब इस वाली में, इस वाली चैन में यहाँ पर पफ बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स। फिर से हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से, एक दो, ये तीन चैन बनाएंगे। फिर से हम इस वाली में, यहाँ पे हमारे दो हैं, इस वाली में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर हम इस वाली में, इस वाली चैन में, इस वाली में पफ बनाएंगे, इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे मेरा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने तीन चैन बनाई, ये तीन चैन बनाई, और यहाँ पे इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, इस तरह से। अब एक चैन बनाएंगे, इसे हम कट कर लेंगे, इस तरह से। अब ये पफ बनाए से इसे बाहर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ निकालेंगे, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से निकाल के हमारा फ्लोवर, फ्लोवर जैसी डिजाइन बन के तैयार हो गई। ये हमारी बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। इसे